आते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसमें ये चीज समझेंगे कि इसमें भी जो इक्वेशन में जो हम लोग वैल्यू पता लगाते हैं वह नॉर्मली जो है हम लोग तीन प्रकार से इसमें समझने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद जो है हम लोग कॉम्पिटेटिव स्क्वायर मेथड और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह क्या है और कैसे हम लोग समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो निश्चित रूप से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिग्री जो है इसका 2 होना चाहिए, क्लियर है। यानी कि निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर मतलब किसी का भी वैल्यू जो है वह 2 रहेगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वह आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में जो है वह होता है। यह हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इस रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी जो है ये इसमें ए बी सी जो होगा वो रियल नंबर होगा एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपको एकदम दिमाग में रखना है कि ए जो होगा उसका वैल्यू जो है वह कभी भी 0 नहीं होगा। अब ए यदि 0 नहीं होगा तो कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है इसको हम अर्थमेटिक न्यूमेरिकल में हम समझाना चाहेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्लियर है कि यस सर ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है वेयर ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 6। तो ये हमारा जो है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि हम एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ ये भी है, क्योंकि ये भी जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है वेयर ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर सी का वैल्यू जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है हमारा इस तरह हो सकता है, या फिर हम कह रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये भी है, क्योंकि इसमें भी जो है ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू जो है 0 है और सी का वैल्यू जो है 6 है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो नहीं, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वह 0 हो जा रहा है और हम लोगों ने पहले ही बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पाया कि ए जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो है हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन जो है आपके सामने अगर हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग को इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ये याद रखना है। तो हम लोग ये मेथड सीख रहे हैं, कौन सा मेथड सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको क्लियर समझ में आ रही है कि हमारे पास ए बी और सी का वैल्यू जो है वह दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि ए और सी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है 10 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कितना आता है माइनस 10 आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर समझ में आ रहा, ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है माइनस 10 है। तो 1 में यदि माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आएगा। अब क्या करना है कि इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ध्यान देना है ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि डिवाइड करने के बाद जो दो पार्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर हमारा जो मिडिल टर्म है बी वो आ जाए, ऐसा अब आपको सोचना है। अब देखिए इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मान लिया माइनस 10 है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 लिख सकते हैं, 2 माइनस 5 लिख सकते हैं और तो कुछ लिख नहीं सकते। यानी कि इसी में से देखिए कौन सा ऐसा है जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जा रहा है। देखिए
10 में 1 मैं जोड़िएगा तो भाई 11 आएगा, 10 में 1 माइनस कीजिएगा तो 9 आएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आएगा, 5 में 2 माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा। यानी कि ये क्लियरली हमें पता चल गया कि जो है 2 और 5 हमारा जो है वह वैल्यू होगा जिसमें से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस 5x लिखा और प्लस 2 रखा, ये तो आपने कॉम्बिनेशन करके देख लेना है। जैसे सपोज कीजिए कि सर तुक्का तब तो सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो जब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो माइनस 5x तो माइनस 2x माइनस 7x हो जाएगा, लेकिन लाना कितना है माइनस 3x लाना है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा कि कैसे हम जो है वैल्यू में डिफरेंसेस नहीं आए। माइनस 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा माइनस 3x। अब जो है हम लोग दो दो ग्रुप पेयर बनाकर हम जो है क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे जो मैच करता होगा। कॉमन निकालना पता होगा x स्क्वायर माइनस 5x में से कौन से ऐसे अंक है जो कॉमन लिया जा सकता है, क्लियरली है कि x से जो कॉमन लिया जा सकता है। अब यदि x इसमें से हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x और यहाँ पे बचा 5। इसमें से कौन सा ऐसा अंक है जो निकाला जा सकता है, तो 2 निकाला जा सकता है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमेशा जो है ये टर्म जो है दोनों मैच करता है, अगर मैच नहीं कर रहा है यानी कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको जो है मिस्टेक हो रही है। अब उसके बाद फिर हम x माइनस 5 और जो बच गया उसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जो है फैक्टराइज हो गया। अब हमें जो है x का वैल्यू निकाल देना, हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्लियरली x इक्वल टू 5, अगेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है हमें 5 और माइनस 2 जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से जो है फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वह निकाल सकते हैं। इसमें अब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, कहीं कहीं चेक करने के लिए आ जाएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि कैसा हम चेक करेंगे। 9th क्लास में भी आप लोग सीखे हुए हैं अल्फा बीटा का वैल्यू रख के, तो खैर इसमें ये चीज नहीं है। इसमें बस केवल आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो है हम लोग इस मेथड को जो है थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सीखने वाले हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसा हम लोग पिछले में सीखा था अभी हम लोग कुछ देर पहले कि किस तरह से फैक्टराइजेशन करके जो है इसका वैल्यू निकाला जाता है। अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड द्वारा जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमें एक चीज ध्यान देना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंबल क्या है, प्लस है या माइनस है। इस पे आधारित हम लोग दो फॉर्मूला यहाँ पर सबको पहले से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या सिंबल है, प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस रहेगा तो इसका हम लोग ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, और यदि माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला का हमें जो है यहाँ पे पुट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्क्वायर के द्वारा। अब हम लोग कैसे इसको पुट करेंगे इसको आपको ध्यान से समझना है। ये जो लाइन है यही लाइन को जो है अच्छी तरह से समझना है, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो आगे सिर्फ जो है कैलकुलेशन है तो उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है कि कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बिठाते हैं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे माइनस है यानी कि हमें जो है माइनस वाले फॉर्मूले को लगाना है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं। अब जब सोचिए कि इसको ए स्क्वायर हम कैसे करें, अब जैसे स्क्वायर जैसे मान लिया अगर 4x स्क्वायर आता तो आप आराम से इसको 2x स्क्वायर कर देते, 9x स्क्वायर आता तो आराम से 3x स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको जो है कैसे स्क्वायर करेंगे। तो इसका और भी कुछ तरीके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, फिलहाल इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हम इसको √2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये सबको पता होगा, आप 7-8 क्लास से चलते हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं कि √2 * √2 = 2। तो इस तरह से जो है इसको स्क्वायर जो है वो कर सकते हैं। हमको ए स्क्वायर तो पता चल गया, अब यहाँ पे माइनस 2a भी पता चल गया है तो 2a हमने लिख दिया। अब हमें जो है यहाँ पे b का वैल्यू पता लगाना है कि b का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ऐसा हमको b का वैल्यू सोचना है कि ये इसका जो कैलकुलेशन होगा इसके इक्विवेलेंट हो। अब देखिए माइनस 2 है हमारे पास √2x है, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि वह 5x के बराबर आ जाए। यही थोड़ा सा सोचना, यही ब्रेन लगाना है
कि कैसे हम क्या यहाँ पे वैल्यू रख के इसके बराबर आ जाए। अब जरा सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं कि जो इसके बराबर हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि 5/2√2 रखते हैं, अब जरा सोचिए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, यानी कि b का वैल्यू जो है हम अगर 5/2√2 रखते हैं तो वह इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो हम यहाँ पे b का वैल्यू जो है 5/2√2 जो है वह रखते हैं। अब हमको ए स्क्वायर माइनस 2ab पता चल गया, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर हमने तो फॉर्मूला जो है वह लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है हमसे। क्या मिस्टेक होता है कि मैथमेटिक्स का क्या बोलता है कि आपको अपने मन से कोई भी वैल्यू जो है पुट नहीं कर सकते हैं। ये तो वैल्यू हमारे पास अपने मन से रख दिए है, यहाँ पे तो मैथ में कहीं ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 25/8 कहीं लिखा हो तो हम उसका वैल्यू पुट कर दिए। तो हम यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक और वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या लग रहा है कि ये खत्म हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मान के चले कि हमने ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा वैल्यू जो है वह हमने लिख दिया। अब ये बताइए इसमें और इसमें कोई अंतर है, दोनों वैल्यू में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो है ये स्क्वायर हो भी गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इतना दूर तक हमारा जो है वह फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 25/8 प्लस 3 = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, √2x माइनस 5/2√2 25 + 24 = 0। अब आगे कैलकुलेशन है, अब आगे कैलकुलेशन में आपको हमको नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन एकदम इजी है। 5/2√2 होल स्क्वायर = 1/8, √2x माइनस 5/2√2 √1/8। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि ये पता होगा कि जब कभी भी अगर स्क्वायर रूट से कोई जब बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यही सब हमको जो है ये दो भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि √2x माइनस 5/2√2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1/2√2 प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो यहाँ से हम जो है इसको दो भाग में हल करते हुए x का वैल्यू जो है वह निकाल देंगे। जैसे कि हम पहले प्लस में निकालते हैं, √2x माइनस 5/2√2 = 1/2√2, √2x = 1/2√2 प्लस 5/2√2, √2x = 2√2 1 + 5, x = 6/2 = 4, 2 3, इटमीन्स 3/2। इसके द्वारा प्लस के द्वारा जो है 3/2 आ गया है। अब चलिए थोड़ा सा माइनस वाला निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाइएगा, √2x माइनस 5/2√2 = -1/2√2, सेम उसी तरह से सॉल्व कर देना है। अब आगे आपका जो है कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैलकुलेशन जो है सही रूप से करते रहिए, आगे यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। 2√2 माइनस 1 + 5, x = 4/4, 4 × 4 = 1, x = 1, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो है 2 देख निकल के सामने आया, x का एक हुआ हमारा 3/2 और एक हो गया 1। तो इस तरह से जो है हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं और इसको हम लोग जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। देखिए ये मेथड सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जब हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करते समय जो होगा उसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है
क्योंकि अगर एग्जाम में जो है कभी कभी आप लोग को ये दे दिया जाएगा कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो वैसी स्थिति में जो है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेथड सीखना जरूरी है। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मेन इस पे फोकस करना है कि ये लाइन हमारा कैसे जो है वो तैयार हो रहा है, उसके बाद सारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हमको नहीं लगा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक दो मैथ बनाइए, नहीं समझ में आए आप स्कूल में भी आकर पूछ सकते हैं, यहाँ पर बताने समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए स्टे होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।